में तो बचा ही क्या है, अगर लग गई आग घर में तो बचा ही क्या है, बच गया मैं तो जला ही क्या है। अपनी अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर, अपनी अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। नमस्कार, मैं आयुष केशरी मौजूद हूँ जज्बात के 49वें एपिसोड में। हर एपिसोड में नए शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं, उनकी जीवनी को लेकर के उन्होंने क्या अच्छा और क्या महत्वपूर्ण किया है। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश भटनागर सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मैं आपके बचपन के दिनों से शुरुआत करना चाहूँगा, कैसा था बचपन आपका? देखिए, मैं 11 जुलाई 1951 में पैदा हुआ। अच्छा, 11 जुलाई। मेरा जन्म सहारनपुर की एक छोटी सी गली में हुआ था। मेरे पिताजी उस समय इम्पीरियल टोबैको कंपनी, जो ITC जिसे आजकल बोलते हैं, उसमें काम करते थे। और मेरे बचपन का 4 साल की उम्र तक सहारनपुर में ही रहे थे। मेरे पिताजी थोड़े एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने कुछ यूनियन वगैरह करते थे, तो उस कंपनी का कुछ जो बड़ा मैनेजर अंग्रेज होता था, तो किसी बात में उनका काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो गया और उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। सो ही बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो वो अनएम्प्लॉयड होकर के कानपुर आए नौकरी की तलाश में। तो उनको एक बहुत छोटी सी नौकरी मिली। हम लोग बचपन में एक कमरे में रहते थे और मेरे 6 भाई बहन थे, मतलब मैं एक भाई और 5 बहन, 6 टोटल। तो आप सोच सकते हैं कि एक कमरे में 8 लोग रह रहे थे। मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि सब लोग एक एक चारपाई में सो सकें, और घर में 8 चारपाई रखने का तो कोई जगह ही नहीं थी। तो घर में 4 चारपाई होती थी, जिसमें 2 बड़ी होती थी और 2 छोटी होती थी, जिससे कि दिन में 1 चारपाई के नीचे 2 चारपाई घुस जाती थी, जिसमें कि रात में 4 चारपाई होंगी, ऑलमोस्ट पूरा कमरा गिर जाएगा, और दिन में सिर्फ 2 चारपाई रहेंगे तो थोड़ा आना जाने का स्पेस रहेगा। वहीं कानपुर में एक घर के सामने ही एक छोटा सा स्कूल था, वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी। मैंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मुझको ज़्यादा कुछ पढ़ा सकें, क्योंकि उस ज़माने में अगर आप 10th ग्रेड पास कर लेते थे तो बैंक में नौकरी मिल जाती। तो मेरे पिताजी ये चाहते थे कि अब हमने तुमको 10 क्लास तक पढ़ा दिया है, कोई बैंक एक्ट में नौकरी ढूंढ लीजिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। उसी समय मेरे कज़न एक कंपनी में नौकरी करते थे और वो उसको रिज़ाइन करके जा रहे थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया था। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इस कंपनी से जाकर के बात करता हूँ, हो सकता है जो नौकरी वो रिज़ाइन कर रहे हैं वो शायद मुझे मिल जाए। तो मैं उस कंपनी में पहुँच गया तो उन्होंने बताया, हाँ तुम्हारे भाई जो हैं वो तो अच्छा काम करते थे, ही वॉज क्वाइट ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग चैप, तो ठीक है हम ये नौकरी आपको दे सकते हैं। उनको 125 रुपये महीना मिलता था, लेकिन क्योंकि आप रॉ हैं तो आपको 100 रुपये महीना मिलेगा। मैंने उस नौकरी को ले लिया और काम करने लगा। करीब 2 साल तक मैंने वो नौकरी की। उस नौकरी में मैं कंपनी में एक चपरासी से लेके मैनेजर तक मैं ही एक पढ़ा लिखा आदमी था। चपरासी से लेकर के मैनेजर तक बस मैं ही एक आदमी पढ़ा लिखा, और दूसरा मेरा बॉस था जिसकी वो कंपनी थी, वो पढ़ा लिखा आदमी था। बाकी करीब वहाँ पर 20 वर्कर्स काम करते थे,
वो यूजुअली या तो इलिटरेट थे या सेमी इलिटरेट थे, दो चार पांच क्लास पढ़े थे। मेरा काम वहां होता था, सुबह जब जाता था तो रात की शिफ्ट में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको देखना होता था, नई शिफ्ट वाले लोगों को काम देना होता था, उसके बाद में जो रात का प्रोडक्शन हुआ है उसको पैकिंग करा करके जेके प्लास्टिक्स में सप्लाई करना होता था, वहाँ जा कर के उनसे पुराना जो सप्लाई किया हुआ है उसका पेमेंट लाना होता था, उसको लेकर के बैंक में जमा करना होता था, बैंक से पैसा विड्रॉ करना होता था डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, लौट करके आ करके मुझे लेजर लिखना पड़ता था, अकाउंट्स बुक्स लिखनी पड़ती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ती थी, बिल्स काटने पड़ते थे, दुनिया की चीज़ें करनी पड़ती थी। और कभी कभी फैक्ट्री में अगर मशीनें खराब हो जाए तो उस टाइम पर कानपुर में कोई उसका इंजीनियर नहीं मिलता था, बॉम्बे से इंजीनियर को बुलाना पड़ता था, और वो इतना महंगा इंजीनियर होता था कि कंपनी के मालिक का ऑर्डर था मेरे ऊपर कि इसको हम पर डे पैसा देते हैं बहुत बड़ा, तो चाहे रात के 2 बज जाएं 3 बज जाएं मशीन को ठीक ही करा दीजिए, नहीं तो उसको और रोकना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने करीब 2 साल काम किया और काफ़ी पैसे मिल गए, तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि अब मैं पढ़ने जा सकता हूँ। उन्होंने कहा ज़रूर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कर सकते हो। तो मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की। उसके बाद 12th ग्रेड पास करने के बाद फिर मैंने वो काफ़ी पैसा जो आपने जमा किया, तो कितना पैसा था? नहीं, मैं तो हर महीने जो भी 100 रुपये मिलता था अपनी माँ को दे देता था। अच्छा, तो माँ के ही पास वो पैसे रहते थे, तो 2 साल में करीब 24 रुपये दिए होंगे, उसमें से कुछ माँ ने खर्च भी किए होंगे, तो जितने भी पैसे बचे थे। उस ज़माने में पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, तो आधा फीस माफ़ हो जाती थी मेरी, तो 6.5 रुपये महीने का ट्यूशन फी होती थी, तो साल भर का कितना हुआ करीब 75 रुपया, और करीब 50 रुपये की किताबें आती थी, तो मतलब 125 रुपये में आपकी साल भर की पढ़ाई का इंतज़ाम हो जाता था, और रहना खाना अलग, रहना तो पेरेंट्स के पास ही था, और खाना घर में मिलता था, प्लस कुछ पैसे दे भी दिए थे उससे भी कुछ आसान होता था। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और प्लस टू करने के बाद फिर कॉलेज चला गया, ऐसे ऐसे करते करते मैंने बीएससी पास किया, एमएससी पास किया, फिर पीएचडी, फिर उसके बाद में पीएचडी प्रोग्राम। अच्छा, एमएससी पास करने के बाद नहीं, लेट मी करेक्ट, जब मैं वो नौकरी छोड़ने लगा तो उसके मालिक ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, कोई दूसरी नौकरी मिल गई? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, आप हर गर्मी की छुट्टी में यहाँ पर काम करने आ जाया कीजिएगा। तो मतलब मुझको समर जॉब्स उस ज़माने में मिलती थी जो कि नॉन एग्जिस्टिंग थी उस ज़माने में। तो ये करके मैं अपनी पढ़ाई लिखाई का पैसा हर गर्मी की छुट्टी में बना लेता था, जिससे कि मेरी किताबें और फीस का खर्चा बड़े आराम से चल जाता था। ऐसे कर करके बीएससी पास किया, एमएससी पास किया, और जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म होता था अगले दिन जाकर के मैं गर्मी की छुट्टी में वो फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता था। जब मैंने एमएससी पास किया तो वो बिजनेस मैन तो कुछ समझता नहीं था, उसने कहा भाई एमए कर लिया तुमने, इसका मतलब सारी पढ़ाई खत्म हो गई। तो मैं जब काम वाम करने लगा तो मैंने फिर थोड़ा, क्योंकि मैं साइंटिस्ट था तो मैंने साइंटिफिक जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। मुझको एक स्वदेशी कॉटन मिल्स करके एक कंपनी थी, वहाँ पर एक साइंटिफिक जॉब मिल गई, तो मैं उसको रिज़ाइन करने लगा। तो उसने कहा क्यों, आप कहाँ जा रहे हो, अब तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई। मैंने कहा पढ़ाई ख़त्म हो गई लेकिन मैं साइंटिफिक जॉब करना चाहूँगा क्योंकि मैंने साइंस पढ़ा। तो कहने, अरे वो कितना पैसा दे रहे हैं तुमको? मैंने कहा वो मुझको 400 रुपया दे रहे हैं। उसने कहा मैं तुमको 500 रुपया दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, पैसों की बात नहीं है, मैं साइंस करना चाहता हूँ। तो उसने कहा ऑफर थोड़ा बेटर कर देता हूँ,
साल भर में जितना फायदा होगा उसका 5% तुम्हें भी दे दूंगा, तुम यहीं रहो। मैंने कहा नहीं, मैं साइंटिफिक जॉब करने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा है, आप चले जाइए, लेकिन अगर कभी लगना माइंड चेंज करना चाहें, आप डिसीजन चेंज करना चाहें, तो डोर्स आर ओपन, ऑफर विल रिमेन। तो मैंने कहा मोस्ट प्रॉबली आई विल नॉट चेंज माई माइंड, लेकिन ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो मैंने जाकर के उस स्वदेशी कॉन्फ्रेंस में गर्मी की छुट्टी में करीब 2 महीने काम किया, और इस बीच में मैं पीएचडी के एडमिशन्स ट्राई करता था, और मुझे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला, पीएचडी का एडमिशन मिला बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर के, क्योंकि मेरा मास्टर्स केमिस्ट्री में था, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री में ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ा। सुबह मैं कुछ कोर्सेज वहाँ अटेंड करता था, कुछ आईआईटी में अटेंड करता था, करके मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं किसी बायोकेमिस्ट से कम ना हूँ। तो वहाँ पर मुझको 300 रुपया फेलोशिप मिलती थी, 300 रुपया पर मंथ, हाँ पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उस स्कॉलरशिप में कंडीशन थी कि अगर आप पीएचडी बीच में छोड़ेंगे या 3 साल में पीएचडी ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर फेलोशिप नहीं मिलेगी। मान लीजिए 4th साल 5वां साल आप लगाते हैं तो फेलोशिप नहीं मिलेगी। मैंने ज्वाइन कर लिया, और अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको सारी फेलोशिप वापस करनी पड़ेगी विद 12% इंटरेस्ट। मैं बहुत डर गया, तो मैंने क्या काम किया कि 6 महीने तक वो बॉन्ड नहीं भरा जिसमें लिखना था कि 12% आपको वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ में, और 10 महीने बाद ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि मेरी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है, सब सही है, तब मैंने वो फॉर्म भरा, और मुझे ध्यान है कि मुझे 10 महीने का 1 साथ फेलोशिप मिला। तो उस ज़माने में 3,000 रुपये लगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा राजा हूँ। मैं उस ज़माने में हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था, हॉस्टल कंपलसरी होता था, लेकिन मैंने डायरेक्टर से जा करके एग्जेम्पशन लिया। मैंने कहा कि मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं घर से आऊँगा। तो वो कहने लगे क्यों घर से क्यों आना चाहते हो, मेहनत से काम नहीं करना चाहते हो। मैं नहीं, मैं इन पैसों से अपने पेरेंट्स को थोड़ा मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा हॉस्टल एक्सेप्ट कर दिया। ये करते करते एक दिन मैं लेबोरेटरी में बहुत सुबह काम कर रहा था, हमारे डायरेक्टर साहब आ गए, तो उन्होंने देखा कि लैब का दरवाज़ा खुला है, तो अंदर घुसकर आए, कहते हैं हे यंग मैन, हाउ कम यू हैव स्टार्टेड योर वर्क टू अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने डायरेक्टर साहब को बोला कि मुझे रात में समय से घर जाना है, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है। तो वो लौट करके गए और उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया, और उस जॉब में मुझको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता था, थोड़ा प्रैक्टिकल कराना पड़ता था, बाकी अपनी रिसर्च कर सकता था। ये करके मैंने अपना पीएचडी ख़त्म किया और साथ में जॉब भी करता था। लेकिन जैसे ही मेरी पीएचडी ख़त्म हुई, मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और दिल्ली चला गया। ये मेरी नौकरी 800 रुपये की थी, लेकिन दिल्ली में 500 रुपये का फेलोशिप था। तो पिताजी कहने लगे तुम कानपुर छोड़कर दिल्ली जा रहे हो और 800 रुपये का नौकरी छोड़कर 500 रुपये का स्कॉलरशिप पर जा रहे हो, यहाँ तो घर भी है, यहाँ घर है। तो मैंने कहा कि
मैं अपना भविष्य देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दिल्ली निकल जाऊँगा तो मेरा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बनेगा। उन्होंने एक लेक्चर दिया और मैंने उनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उनको वो सवाल बहुत पसंद आया तो वो सेमिनार के बाद मेरे पास आए, कहते तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वुड यू लाइक टू कम एंड वर्क विद मी टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि उसका अभी जवाब नहीं। तो मैंने कहा कि नो आई डोंट नो जर्मन एंड मैंने तो कभी जर्मनी जाने के बारे में सोचा नहीं था। उसने कहा आप सोच लीजिए, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट 3 डेज, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। तो मैंने अपनी मेरी जो वाइफ है उन्होंने साथ साथ हम दोनों ने पीएचडी एक साथ ही किया था, उनका नाम निरुपमा बैनर्जी है। तो मैंने निरुपमा को कॉल किया और पूछा उससे कि ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसने पूछा कि ये अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो मैंने बताया ये फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में है। उसने कहा अरे फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी, यहाँ तो मुझे पीएचडी में एडमिशन मिला था, मैंने तुम्हारी वजह से उसको छोड़ दिया था। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तब तो ये असाइनमेंट मैं ज़रूर लूँगा, जिससे कि तुम ज़िंदगी में ये ना कह सको कि मैंने तुम्हारी वजह से छोड़ दिया था, बल्कि तुम ये कहोगी मैं तुम्हारी वजह से फ्राइबर्ग गई थी। तो आई एक्सेप्टेड और हम दोनों लोग ने डिसाइड किया कि शादी करेंगे, उसके बाद जर्मनी जाएंगे। अब ये जॉब का ऑफर तो मुझे मिल गया, लेकिन उसमें सैलरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन जाने का किराया नहीं था, जेब में पैसे भी नहीं थे, माँ बाप भी गरीब थे। दिल्ली में 500 रुपये का स्कॉलरशिप में करीब करीब पूरा ही पैसा ख़त्म हो जाता था, हॉस्टल का किराया, खाने का, महीने दो महीने में एक बार माँ बाप के पास भी चला जाता था, तो पैसा कुछ खास था नहीं मेरे पास। तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसा करते हैं हम तुम्हारा टिकट खरीद देते हैं। मैं तो यंग था, बड़ा ही मतलब जैसे कोई सिनेमा में हीरो होते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन अपना डायलॉग मार रहा है, पैसे नहीं मिले। तो मैंने कहा कि आप अगर हमारा टिकट खरीदेंगे सो दिस विल अमाउंट टू एक्सेप्टिंग डाउरी, तो मैं नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपनी बेटी का टिकट खरीद देंगे, आप अपना टिकट खुद खरीद लीजिएगा। मैंने कहा जिस दिन हम फ्लाई करेंगे उस दिन आपकी बेटी मेरी बीवी होगी और उसके सारे खर्चे उठाना जिम्मेदारी मेरी हो, आपकी नहीं। आपने उसको पैदा किया है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, आपने अपना काम कर दिया। अब डायलॉग्स तो मार दिए, जेब में पैसे नहीं। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया। दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपकी हेड ऑफिस है उनका कनॉट प्लेस के पास, उसमें गया, उनसे जाकर बात की। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर आपके पास नौकरी का ऑफर है और उसमें आपका सैलरी लिखा हुआ है तो हम आपको लोन दे देंगे। तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया।